भारत की पहल के बाद में एक बार फिर लोकतंत्र की जीत हुई है। मालदीव के आम चुनाव में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पराजय पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। अदालत ने रविवार को यामीन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने चुनाव परिणामों को रद्द करने और नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है। मालदीव की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यामीन 23 सितंबर को हुए चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह द्वारा धांधली कर चुनाव जीतने के अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सके। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भारत के साथ मजबूत रिश्तों के हिमायती रहे हैं, जबकि यामीन का झुकाव चीन की तरफ रहा है। तो अब्दुल्ला यामीन की हार को आप चीन की हार समझ सकते हैं और मालदीव में इसे भारत की कूटनीतिक जीत भी कहा जा सकता है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही अब्दुल्ला यामीन को दिए एक संदेश में भारत ने कहा था कि हाल के राष्ट्रपति चुनाव में आए परिणाम दरअसल लोकतंत्र की विजय है। भारत सरकार ने उम्मीद जताई है कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि पिछले साल जब से मालदीव में आपातकाल लगा है तब से भारत का स्टैंड इस मामले में साफ रहा है। मालदीव में लोकतंत्र की रक्षा के साथ साथ जनादेश की भी जरूरत है। उन्होंने कहा था, चुनाव के परिणाम न सिर्फ लोकतांत्रिक ताकतों की जीत है बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों और रूल ऑफ लॉ के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आपको बता दें कि आम चुनाव में हार के बाद यामीन ने वैश्विक दबावों के चलते 17 नवंबर तक पद छोड़ने की बात कही थी, लेकिन इस महीने की शुरुआत में उन्होंने प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर दी। 2013 में हुए चुनाव में भी यामीन विपक्षी उम्मीदवार से पीछे चल रहे थे, लेकिन तब शीर्ष अदालत के सहारे वो जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार भारत के दखल के बाद मालदीव में लोकतंत्र की असल में जीत हुई है, जिससे अब्दुल्ला यामीन और चीन दोनों को जबरदस्त झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।